अस्सलाम वालेकुम नर्सी क्लास, हाउ आर यू? टुडे वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स का मतलब है कि खाली जगह को पूर करना। अब यहाँ देखिए, मैंने काउंटिंग लिखी हुई है, बीच में जगह छोड़ी हुई है, तो आपने ये जो जगह छोड़ी हुई है उसको फिल कर देना है। अब देखिए 51 के आगे क्या आता है, 52। 52 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 52 ये हमारी ब्लैंक फिल हो गई। अब 53 है तो 54 आगे आ जाएगा, 54 काउंटिंग पढ़ते जाना है और ब्लैंक को फिल करते जाना है। 55 आगे जगह छोड़ी हुई है तो 56 आएगा, 56 आगे 57 है, और 58 है तो आगे आ जाएगा 59, 60 है तो आगे आएगा 61, 62 है तो आगे आएगा 63, आगे 64 लिखा हुआ है। अब 65 है तो 66, 67 है तो 68 आ जाएगा, 69 है तो आगे आ जाएगा 70, 71 लिखा हुआ है आगे, 72, 72 के आगे जगह छोड़ी हुई है 73, 74, 75, 76 लिखा हुआ है तो आगे आएगा 76 लिखा हुआ है तो आगे आ जाएगा 77, यहाँ आएगा 78, अब आगे 78 है तो यहाँ आ जाएगा 79, और ये हो गया 80। फिर से रिपीट करते हैं, 51 के आगे जगह छोड़ी हुई थी तो 52, 53, 54 ब्लैंक था तो यहाँ पे हमने 54 लिख दिया, 53 के आगे, फिर 56 लिख दिया, आगे 57 है, 58, 59 लिख दिया, 60, 61 लिखा, 62, 63 लिख दिया, आगे 64 था, 65 के आगे 66, 67 था तो 68 लिख दिया, 69 था तो आगे 71, और 72 था तो 73 लिख दिया, 74, 70 आगे 5 की जगह छोड़ी हुई थी 75 लिख दिया, 76 आगे 77 की जगह छोड़ी थी वो हमने 77 ऐड कर दिया, आगे 78 79 की जगह छोड़ी हुई थी तो 79 लिख दिया, और 80 आगे लिख दिया। अब ये हमारी फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट होगी। उम्मीद करती हूँ कि नर्सरी क्लास आपको फिल इन द ब्लैंक कि मैथ में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।